ये आपका आपका शुभ नाम क्या है? सचिन 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 भाई। सर आप अंधेरी का राजा में पहली बार आ रहे हैं? हाँ जी। कैसा लगा आपको? नहीं, मैंने अभी बताया, मैं पहले भी आया, जब मैं एक्चुअली आज से काफ़ी साल पहले जब बम्बई आया था, मेरे को बम्बई आए हुए अभी 79 में आया था, आप समझो, मैं अपना करियर बनाने के लिए यहाँ फिल्मों में, तो पीजी अकोमोडेशन में रहता था यहाँ जू में, तब अंधेरी चढ़ाजा के बारे में सुना था, लेकिन जैसे मैंने अभी बताया तब तो मेरे को लाइन में लगना पड़ा था यहाँ पर, लेकिन आज मैं VIP बन के आऊँ, पर ये गणपति बप्पा की मेहरबानी है, क्या उन्होंने एक्चुअली उनके आशीर्वाद ने VIP बनाया कि लाइन से लेकर के आज सचिन जी की तरफ से या हीना जी की वजह से हम लोगों को स्पेशल दर्शन हुए हैं, ये गणपति बप्पा का आशीर्वाद है असल में। जी मन में मांगी है, गणपति बप्पा हमेशा रक्षा करते आए हैं, सुरक्षा करते आए हैं, गणपति बप्पा की वजह से इस मुंबई शहर में हमें बहुत कुछ मिला है, समझे ना, तो मन्नत मांगी है, और गणपति बप्पा कभी किसी को मना नहीं करते, और मन्नत हमेशा पूरी होती है, तो मुझे पता है कि वो मन्नत मेरी हमेशा पूरी होगी। गणपति बप्पा मौर्या। जी हाँ, काफ़ी पिक्चरें आ रही हैं, एज एन एक्टर तो आपने देखा भी, सूरमा आई थी अभी, यमला पल्ला दीवाना आई थी अभी, नमस्ते इंग्लैंड आएगी, समझे ना, भारत आएगी, फिर और मेंटल है क्या आएगी, बहुत सी पिक्चरें आ रही हैं, और एज ए डायरेक्टर मैं अपनी नई पिक्चर शुरू करने वाला हूँ 1 अक्टूबर से, बहुत सालों बाद एक नई पिक्चर बनाऊँगा, और काफ़ी प्रोड्यूस किए हैं, जयंती भाई के साथ भी हमने एक मराठी फिल्म बनाई है, मतलब मैंने एक मराठी फिल्म प्रोड्यूस की है असल में जयंती भाई के आशीर्वाद से, और बहुत अच्छे सोशल सब्जेक्ट पे है, फिर एक इंग्लिश पिक्चर प्रोड्यूस किया, तो काफ़ी काम चल रहा है असल में। क्या देश को मैसेज देना चाहेंगे अंधेरी का राजा की तरफ से? देखिए, ये उत्सव जो है ये सबसे बड़ा उत्सव है, महाराष्ट्र का उत्सव है, सबसे बड़ा उत्सव आप कहें अब तो पूरे हिंदुस्तान में मनाया जाने लगा है, मतलब मैं तो एक बार लद्दाख में था और मुझे अच्छी तरह याद है कि वहाँ पे गणपति का फेस्टिवल मैंने सेलिब्रेट होते हुए देखा, तो ये पर्व है खुशी का, हर्षोल्लास का, ये पर्व है एकत्रता का, प्यार बाँटने का, और आज हमारे देश को इसकी बहुत सख्त ज़रूरत है, तो ऐसे पावन मौके पर मैं यही कहना चाहूँगा कि हम गणपति बप्पा से जो हमें आशीर्वाद मिला है प्रेम भाव का, है ना, सद्भावना का, एकत्रता का, वो हम सब भारतवासियों में रहे, और हम अपने देश की रक्षा करें, सुरक्षा करें, और अपने देश को और आगे बढ़ाएं, यही आशीर्वाद है युवकों के लिए, आशीर्वाद ये है कि आज नई नई चीज़ हो रही हैं, नए नए आयाम हो रहे हैं, नई नई बातें हो रही हैं, है ना, तो हम हमारे देश को और आगे पहुँचाएँ, ताकि जो हम देश के बारे में सोचते हैं पप्पा के आशीर्वाद से, वो हमें सब पूर्ण प्राप्त हो। अंधेरी का राजा का चरण में आपका हर प्रोजेक्ट, हर मनोकामना पूरा हो, हम दिल से बप्पा को प्रार्थना करते हैं। गणपति बप्पा।
थैंक यू। गणपति बाप्पा मंडळाचे कोषाध्यक्ष सुभाष चिट्टी सर विनंती राहील की आपण गणसेवांना जयंती पे गणांना सन्मानित करायचे। गणपती बाप्पा त्यानंतर मी विनंती करतो की एक सन्मान चिन्ह देऊन मी तुम्हाला सन्मानित करायचे। त्याचप्रमाणे विनंती करतो कृपया आपणही थांबायचं। बस करो।